अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी डाइट की रेसिपी। मैंने आपको बहुत सी रेसिपियाँ बनाना सिखाई, जिसमें मैंने बेकरीज रेसिपी, फ्राइड रेसिपी, बहुत सी रेसिपियाँ बनाना सिखाई। उन हेल्थी चीज़ों के साथ साथ हमें अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं जो डाइट इस्तेमाल करती हूँ उन चीज़ों के साथ आज मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए हम 4 कप पानी ले रहे हैं, पुदीने के पत्ते ले रहे हैं चंद, 4 अदद अदरक के टुकड़े ले रहे हैं, ये देखें इस तरह 4 अदद अदरक के टुकड़े, काली इलायची ले रही हैं हम बड़ी वाली, सब्ज़ इलायची लेंगे 1 अदद और दालचीनी के टुकड़े ले रहे हैं 2 अदद। ये स्पेशली मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी खाने के साथ साथ, चाहे वो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हो, लंच के बाद हो या डिनर के बाद हो। ये आप लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका जो मन करता है आप खाएं और ये इस्तेमाल करें, साथ आप बिल्कुल फिट रहेंगे। एक सॉस पैन लेंगे, उसमें ये 4 कप पानी डाल देंगे। 4 कप पानी डालने के बाद हम इसमें अदरक डालेंगे, ये देखें 1, 2, 3, 4, ये हो गए। और ये दालचीनी के टुकड़े, तो ये काली इलायची है जो, इसे हम पूरी में डालेंगे, इसे हम आधा करके इसमें दाने, इसमें जो दाने हैं वो डालेंगे। ये देखें ये बहुत ज़्यादा दाने हैं, तो हम इसमें आधी हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें आधी, मैं आधा हिस्सा इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा रख रही हूँ, आधा मैंने इसमें डाल दिया। अगर हम सारी डाल देंगे तो ये बहुत तेज़ हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा इसका टेस्ट। ऐसे ही सब्ज़ इलायची की चंद दाने लूंगी मैं। सब्ज़ इलायची के दाने डाल देंगे, पुदीने के पत्ते डाल देंगे, जैसे इसमें उबाल आएगा हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये तैयार है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे, अब इसे निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप इसे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, और फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।